हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैपेसिटर चैप्टर में है ना, कैपेसिटर टॉपिक का वो पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन करना सीखेंगे, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को नाम दे सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि कॉम्बिनेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। क्या होता है बच्चों कि मार्केट में जो कैपेसिटर अवेलेबल होते हैं वो कुछ फिक्स वैल्यू के होते हैं, 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, इस तरह के एक है ना सेट ऑफ ये मिलते हैं हमें मार्केट में। बट हमें जरूरत कुछ भी पड़ सकती है, हमें 2.5 माइक्रोफेराड की जरूरत पड़ सकती है, हमें 1.25 माइक्रोफेराड की जरूरत पड़ सकती है, हमें 1.35 माइक्रोफेराड की जरूरत पड़ सकती है, या ऐसा डिफरेंट वैल्यूज की जरूरत हमें अपने सर्किट में पड़ सकता है। बट हर वो डिजायर्ड वैल्यू का कैपेसिटर है ना मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो जो कैपेसिटर हमारे पास अवेलेबल है उसी को यूज करते हुए डिजायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की जरूरत पड़ती, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस करने की जरूरत पड़ती। जैसे आप किसी परचून की दुकान पे जाते हो तो वहां क्या होता है भाई, अगर आपको 750 ग्राम कोई चीज चाहिए तो क्या 750 ग्राम का एक अलग वेट होती है, नहीं होती है। वो उसको क्या करते हैं, हम कंबाइन करके बनाते हैं 50 ग्राम और 500 ग्राम और 200 ग्राम, है ना। तो इस तरीके से आपको 750 ग्राम मिल जाता है। सिमिलरली है ना कैपेसिटर भी क्या होते हैं, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज के होते हैं, उससे आप क्या कर सकते हैं है ना प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने डिजायर्ड वैल्यू का। उसके लिए आपको क्या सीखना पड़ता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। तो हम दो प्रकार का कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन करते हैं, एक को कहते हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों। तो एक हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, सबसे पहले हम लोग इसको डील कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट और दूसरे का नेगेटिव, अगले के पॉजिटिव से और दूसरा इस तरीके से अगर जुड़ा हो कैपेसिटर, तो हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपको दिख पा रहा है ये चीज, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, अंडरस्टूड, ठीक है। तो अगर वो कैपेसिटर जो है एंड टू एंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो वी विल कॉल इट सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, ओके। तो इफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिए, पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ नेक्स्ट कैपेसिटर एंड सो ऑन, then we call such combination as series combination, ठीक है बच्चों, समझ में आया बात आपको, क्या बोल रहा हूं। अगर एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के नेगेटिव प्लेट से, फिर ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि हमने कौन सा कनेक्शन किया है, सीरीज कनेक्शन किया है। आ रही बात समझ में, सीरीज कॉम्बिनेशन किया है, ओके। चलो इसको करने के बाद तो हमको मान लो हमने एक सर्किट तैयार किया, ठीक है, एक हमने सर्किट तैयार की। चलो एक कैपेसिटर ले लिया बच्चों, इसका C1 कैपेसिटेंस है, दूसरा ले लिया C2 एंड तीसरा ले लिया C3, ठीक है। इस तरीके से हमने 3 कैपेसिटर ले लिया। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए इस सर्किट को, ठीक है। तो वोल्टेज इसका कितना हो गया बच्चों, V हो गया, समझ में आया आपको। तो बच्चों जब हम इस सर्किट को क्लोज कर देंगे, है ना, ये सर्किट जब कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो फिर क्या होगा,
इसके पॉजिटिव प्लेट से है ना पॉजिटिव चार्ज क्या होगा निकलेगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज यहां से चलेगा, तो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ऐसे करके ऐसे चल करके इस तरीके से जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है बच्चों। तो एक चार्ज क्यू जो है मान लो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, अंडरस्टूड, एक चार्ज है ना क्यू इस तरीके से फ्लो कर रहा है, बात समझ में आ रही है आपको। तो चलो अब देखो बच्चों, ये चार्ज जब फ्लो होगा तो सेम चार्ज क्यू इसमें भी जाएगा, इसमें भी एंटर करेगा और इसमें भी एंटर करेगा, ठीक है। तो जब भी आप सीरीज कनेक्शन करते हो तो तीनों में क्या चीज सेम रहता है बच्चों, चार्ज सेम रहता है, ठीक है, सीरीज कनेक्शन में। तो ये हो गई प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों। क्या हो गया भाई, पहली चीज हो गई कि सभी कैपेसिटर में चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन अगर है तो इक्वल चार्ज विल फ्लो थ्रू ईच कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्टेड सभी कैपेसिटर के से होकर के सेम चार्ज फ्लो करेगा, ये बात हमको समझ में आ गया बच्चों। अब देखो हमने पढ़ा है सिंस Q इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, C इंटू वी होता है ना, Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी होता है। तो देयरफॉर V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q अपॉन C। अब हमने चूंकि बोला कि हर एक में Q क्या है, सेम है, Q सेम है, लेकिन C सेम है क्या तीनों का, C तीनों का सेम नहीं है, तो C चूंकि डिफरेंट है बच्चों, C डिफरेंट है तो V तीनों का क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो यहां पर वोल्टेज तीनों में क्या आएगा, अलग अलग आएगा। मान लो इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2 एंड इसके क्रॉस क्या आया V3। तो दूसरी चीज जो हमें समझ में आई वो कि इस कैपेसिटर में जो वोल्टेज होगा वो सप्लाई वोल्टेज से डिफरेंट होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच कैपेसिटर इज डिफरेंट देन सप्लाई वोल्टेज से अलग होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो भाई चार्ज सेम रहता है और वोल्टेज अलग अलग होता है, इतनी जो है बात हमें समझ में आई इसके बारे में। अब देखो V क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जब चार्ज इन तीनों कैपेसिटर से पार करेगा, क्रॉस करेगा, तो सभी जगह क्या होगा, पोटेंशियल में ड्रॉप होगा, ठीक है। पोटेंशियल में यहां पे कितना ड्रॉप हुआ, V1, यहां पे कितना V2 और यहां पर कितना हुआ V3। तो ये जो तीनों ड्रॉप है वो कहां से मिलेंगे, यहां से मिलेंगे, है ना। सोर्स कौन है, ये है, और ये सभी क्या है, खर्च है, ठीक है। तो सोर्स और खर्च को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सिंस V इक्वल्स टू क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना, वोल्टेज सप्लाई कहां से हो रहा है, बैटरी से, कहां खर्च हो रहा है, यहां यहां और यहां, ठीक है। तो कितना खर्च हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3 कहां से मिलेगा, बैटरी से, इसलिए मैंने V1 प्लस V2 प्लस V3 को इसको क्या लिखा है बच्चों, V लिखा है। तो ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहां से देखो चूंकि V बराबर Q बाई C है, तो देयरफॉर V1 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, Q अपॉन C1 है ना बच्चों, V2 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, Q अपॉन C2 एंड देयरफॉर V3 क्या लिख सकता हूं, Q अपॉन C3, ठीक है। ये सारी चीजें हमें मिल गई। अब मुझे क्या करना है बच्चों कि इनका एक ये बनाना है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो चलो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट क्या मतलब होता है भाई, इक्विवेलेंट सर्किट का, ठीक है। तो भाई किसी चीज को किसी के इक्विवेलेंट कब कहोगे, जब है ना इसके बराबर उसके पैरामीटर्स हो जाए, ठीक है। तो देखो यहां पर तीन कैपेसिटर C1, C2 और C3 मिलकर के क्या कर रहा है, V वोल्ट की बैटरी से कितना चार्ज ड्रॉ कर रहा है, Q चार्ज ड्रॉ करने का काम कर रहा है। तो मैं अगर बोलूं कि तीन लड़कों के बराबर मैं अकेला हूं, इसका मतलब मैं वो तीन लड़के मिलकर के जो काम कर सकते हैं मैं वो काम अकेले कर सकता हूं, तब मैं कहलाऊंगा उन तीनों के इक्विवेलेंट, तीनों के बराबर। सिमिलरली यहां पर ये तीनों कैपेसिटर जो चार्ज जो काम कर पा रहा है वी वोल्ट की बैटरी से क्यू कूलाम चार्ज निकालने का, अगर कोई अकेला कैपेसिटर ऐसा कर दे तो उस कैपेसिटर को क्या कहेंगे, इन तीनों का इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं C इक्विवेलेंट, है ना,
कितना बैटरी है भाई वी, और इससे ये भी क्या करे उतना ही चार्ज निकाल ले क्यू। तो अब बच्चों जो वोल्टेज वी है वो खर्च करने के लिए एक ही जगह है, तो कहां पर पूरा खर्च हो जाएगा, यहां पर वी। तो देयरफॉर वी इक्वल्स टू इस बार क्या हो जाएगा बच्चों, वही चार्ज है और कैपेसिटेंस क्या हो गया सी इक्विवेलेंट। तो इस इक्वेशन के सारे टर्म्स हमें मिल गए, इसको यहां पर पुट कर देना है ठीक है। तो पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन वन, ठीक है बच्चों, इक्वेशन वन में सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। चलो तो यहां पर v के बदले क्या रख सकता हूं बच्चों, मैं ये रख सकता हूं, तो q अपॉन c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू यहां क्या हो जाएगा बच्चों, q अपॉन c1 प्लस q अपॉन c2 प्लस q अपॉन c3, है ना, ऐसा हो गया। तो देखो ये q कॉमन हो गया बच्चों, तो ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर व्हाट वी आर गेटिंग, इसके पहले की आप चीजें नोट डाउन करके रख लीजिए ठीक है। तो हम क्या पा रहे हैं, चलो देखते हैं, वन बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू प्लस वन बाय सी थ्री। तो ये हुआ भाई कि जब आप सीरीज कनेक्शन करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या रूल निकल के आया है ना, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, ठीक है बच्चों। तो इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो। अब चाहे तो हम इसमें कुछ स्पेशल केसेस लगा सकते हैं बच्चों, स्पेशल केस ठीक है। पहला, अगर मान लो दो कैपेसिटर लूं ठीक है, और इफ ओनली टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज ठीक है, मान लो दो ही कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला वन बाय सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, सी वन बाय सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू है ना, इसको क्या लिख सकता हूं सी वन सी टू और सी वन प्लस सी टू, देयरफोर सी इक्विवेलेंट कितना आया सी वन सी टू बाय सी वन प्लस सी टू। तो यहां से एक हमें शॉर्टकट मिल गया बच्चों कि अगर दो ही कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हो तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, सीधा प्रोडक्ट अपॉन सम, ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन सम करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मैं बोलता हूं बच्चों कि क्या ले लू मैं, मान लो 10 और 20 ले लू ठीक है, 10 और 20, तो उसका सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताओ, है ना, तो 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा बच्चों 30, तो ये हो गया 20 बाय 3 है ना, इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो ठीक है। अब मान लो मैंने ले लिया भाई 9 और 6, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन सम 9 इंटू 6 अपॉन कितना हो जाएगा 9 एंड 3 ले लेता हूं सपोज ठीक है, तो 9 इंटू 3 अपॉन 9 प्लस 3 12 हो गया बच्चों, 3 4 जा है ना, तो 9 अपॉन 4, तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है बच्चों। अब अगर मान लो स्पेशल केस 2, इसमें मैं अगर लगा दूं कि C1 और C2 मान लो बराबर है समथिंग C, तो क्या हो जाएगा देखो, देयरफॉर C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C इंटू C अपॉन C प्लस C, देखो क्या आ गया C इंटू C बाई टू सी, सी सी कैंसिल C बाई टू, क्या समझा बच्चों कि अगर दो इक्वल कैपेसिटेंस वाले दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हों तो इक्विवेलेंट क्या हो जाता है उसका आधा, यानी 10 माइक्रोफेराड के दो को सीरीज में जोड़ेंगे है ना, 10 माइक्रोफेराड फिर एक 10 माइक्रोफेराड ऐसा सीरीज में जोड़ दिया, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए अपने को कुछ सोचना नहीं, सीधा क्या कर लेना है आधा, इसका बराबर क्या हो जाएगा 5 माइक्रोफेराड, अंडरस्टूड। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है बच्चों कि जब अपन सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है घट जाता है ना, 10 10 के दो जोड़े और रिजल्ट क्या आया 5,
ठीक है, ऐसी बात, ये बात आपको समझ में आई अच्छे से क्या, कि अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन करते हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, घट जाता है, या आपको इसको दूसरे ढंग से ये बोल सकते हो कि अगर आपको कम कैपेसिटेंस चाहिए है ना, तो आप क्या करोगे, कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज में कनेक्ट करोगे, ठीक है। फॉर स्मॉल कैपेसिटेंस वैल्यू वी हैव टू कनेक्ट, वी शुड कनेक्ट इन सीरीज, ठीक है। ये दो बातें हो गई बच्चों। तीसरी बातें, तीसरी बात, अगर मान लो n नंबर ऑफ इक्वल, n नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटर, ठीक है, n नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटर मतलब जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, सेम है, n नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर कई सारे है ना सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, सी 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 है ना, इस तरीके से, ठीक है बच्चों, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो देखो बच्चों 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या, 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी प्लस प्लस प्लस, ऐसा होता जाएगा कितने टाइम्स बच्चों, है ना, एन टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, सबको आप ऐड करोगे तो सोचो, है ना, एन टाइम्स 1 बाई सी हो जाएगा, आ रही बात समझ में, तो 1 बाय सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन टाइम 1 बाय सी, आ रही बात समझ में, देयरफॉर सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, सी बाय एन। तो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया अपने को, अगर है ना इक्वल कैपेसिटेंस वाले कई सारे कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दिए जाए तो आपको इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, सिंगल कैपेसिटर का वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर, यानी अगर मान लो 10 माइक्रोफैराड के है ना 5 हमने जोड़ दिए, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा बच्चों, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C बाय N, तो C कितना लिया हमने 10 माइक्रोफैराड, 5 छो लगाए तो 5 और 2 है ना 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूले लगा करके आप चीजों को काफी जल्दी और आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो तो ये हो गई बात सीरीज कॉम्बिनेशन की, आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, और मन करें तो हम और जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इन सब के जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं उसको एक साथ कनेक्ट किया जाता है और इन सब के नेगेटिव प्लेट को एक साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, और फिर इसको बैटरी से जोड़ दिया जाता है। इस तरह का जब भी कॉम्बिनेशन दिखेगा तो आपको समझ जाना है ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका C1 ले लिया बच्चों, ये C2 एंड ये C3, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको जो किया है वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मान लो टोटल वोल्टेज क्या है, V है, ठीक है, तो व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हेन पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी एंड नेगेटिव प्लेट्स ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, देन सच कॉम्बिनेशन वी कॉल पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो चलो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इफ पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर विथ पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स कनेक्टेड टुगेदर विथ नेगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी, देन वी कॉल इट पैरेलल
कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कनेक्ट कर लिया। अब सवाल उठता है कि क्या होगा यहां पर। देखो, अब यहां से है ना पॉजिटिव प्लेट से इस तरीके से चार्ज चलेगा बच्चों Q, है ना, ये चार्ज चला Q, यहां तक तो सही था Q, बट यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, तीन तीन रास्ते दिख रहे हैं, तो तीनों रास्ते में क्या होंगे, चार्ज डिवाइड हो जाएंगे। तो मान लो इसमें क्या गया Q1, इसमें क्या गया Q2 और इसमें क्या गया Q3। तो यहां पर जो हमें समझ में आ रहा है कि हर एक कैपेसिटर में क्या है बच्चों, चार्ज डिफरेंट है, सप्लाइड चार्ज से डिफरेंट चार्ज है सभी में। समझ में आ रहा है क्या? तो ये होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी, है ना। यहाँ पर चार्ज डिफरेंट होता है, वहां पर चार्ज सेम था बच्चों, यहाँ पर चार्ज डिफरेंट है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई है ना, चार्ज फ्लो थ्रू इच कैपेसिटर इज डिफरेंट डिफरेंट देन सप्लाई चार्ज। ठीक है बच्चों, सप्लाई चार्ज से क्या होता है, डिफरेंट होता है, ये एक बात हो गई। दूसरी चीज यहां पर देखो है ना, ये वोल्टेज इसके भी अक्रॉस है, इसके भी अक्रॉस है और इसके भी अक्रॉस है, तो वोल्टेज इस कंडीशन में क्या होता है, सभी में सेम होता है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट, वहां पर वोल्टेज डिफरेंट था, चार्ज सेम था, यहां चार्ज डिफरेंट है, वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Each capacitor, है ना, voltage potential difference across each capacitor is same as supply voltage। ठीक है बच्चों, तो ये दो इसकी property हो गई। तो यहां से हमें समझ में आ गया बच्चों कि इसके क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, V होगा, इसके क्रॉस भी वोल्टेज वही होगा और इसके क्रॉस भी वोल्टेज यही होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, इसका यूज करते हुए हम देखेंगे कि क्या करना है। अब यहां से क्लियरली दिख रहा है बच्चों, ये जो चार्ज Q गया है ना, वही Q1, Q2 और Q3 में डिवाइड हुआ है, तो चूंकि यही डिवाइड हुआ है तो है ना, देयरफोर Q इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकता हूं ना, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकता हूं। Also, Q equals to क्या होता है बच्चों, C into V, therefore Q1 क्या हो जाएगा, C1 और उसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V, है ना, therefore Q2 क्या हो जाएगा बच्चों, C2 into V and Q3 क्या हो जाएगा बच्चों, C3 into V, है ना? तो हर एक चार्ज की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसके एक इक्विवेलेंट सर्किट बनानी है। इक्विवेलेंट सर्किट मतलब एक सिंगल कैपेसिटर जो उनके बराबर का होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो भाई क्या कर, इक्विवेलेंट कब कहलाएगा, जब ये भी उसके बराबर का काम करे। क्या काम कर रहा था वो, V वोल्ट की बैटरी से Q चार्ज निकाल रहा था, तो ये भी क्या करना चाहिए, V वोल्ट की बैटरी से Q चार्ज निकालना चाहिए। तो चूंकि Q और इसके बीच में रिलेशन क्या है, तो Q C इंटू वी होता है, अभी सी कितना है, सी इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट इंटू V हो गया। ठीक है, तो क्या हमें सारे वैल्यूज मिल गए, सारे वैल्यूज को पकड़ करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर वन में पुट कर देंगे बच्चों। ठीक है, चलो तो रख देते हैं। सी तो क्या आ रहा है हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन वन बच्चों Q की प्लेस पर क्या रखेंगे, C इक्विवेलेंट इनटू V, ये क्या हो गया बच्चों, C1 V, C2 V एंड C3 V, क्या कॉमन दिख रहा है, V कॉमन दिख रहा है, तो ये V कैंसल आउट हो गया, देयरफॉर C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस C3, सो दिस इज द रिजल्टेंट, है ना बच्चों। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है वो सबका सम होता है।
ठीक है, सभी को सम कर दो, है ना, आपको क्या मिल जाता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाता है। इसमें भी हम कुछ स्पेशल केस बना लेंगे, ठीक है, स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या बच्चों, अगर मान लो n है ना आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ दिया गया, ठीक है, इफ n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है बच्चों, देन जो C इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है C प्लस C प्लस C प्लस C, है ना, कितने टाइम्स बच्चों, n टाइम्स, तो C प्लस C प्लस, है ना, इस तरीके से आपको ऐड करते जाना है n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों, n टाइम्स C, ठीक है, मतलब अगर दो दो माइक्रोफेराड के 10 को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए, सॉरी पैरेलल में जोड़ दिया जाए, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सीधा 2 × 10 क्या हो गया, 20 माइक्रोफेराड हो जाएगा। अब चूंकि यहां पर देखो ऐड हो रहा है डायरेक्टली बच्चों, तो इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इक्विवेलेंट, ठीक है, तो जब भी आपको बढ़ा हुआ कैपेसिटेंस चाहिए, ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, तो आप उसको कैसे कनेक्ट करें, पैरेलल में कनेक्ट करें, ठीक है, कम करना हो तो सीरीज में जोड़े, बढ़ाना हो तो पैरेलल में जोड़े, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। तो ये हो गया बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, अच्छे से समझ में आया ये चीज आपको। अब कई जगह पर क्या हो सकता है बच्चों, ये डायरेक्टली भी मिल सकता है, और डायरेक्टली करें, डायरेक्टली सीरीज, डायरेक्टली पैरेलल क्या होता है, काफी इजी हो जाता है, थोड़ा सा इसको कठिन बनाने के लिए क्या करता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है बच्चों, कि उसमें सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा, आपको उसको है ना सॉल्व करना है, ठीक है, तो चलो हम लोग करेंगे इसको, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। चलो तो भाई ये दो चीजें आपको याद हो गई, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो बच्चों हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज, ठीक है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने जोड़ दिया, इसको बोला बच्चों ए और इसको बोला बच्चों बी, ठीक है, ए और बी, और सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू सपोज सी है, सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, सी है, आपको बोला जाता है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ये चीज अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, ठीक है बच्चों, तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए है ना क्या करना चाहिए, इसको कहते हैं बच्चों रिडक्शन मेथड, ठीक है, सक्सेसिव रिडक्शन मेथड, सक्सेसिव रिडक्शन मेथड, ठीक है बच्चों, सक्सेसिव रिडक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, आपको जो जहां दिखता है, जो दिख गया कि सीरीज में है उसको सॉल्व कर लो, जो दिख गया पैरेलल में है उसको सॉल्व कर लो, है ना, और रिप्लेस करते जाओ। तो जैसे कि देखो ए और बी के बीच में हमको निकालना है, ठीक है बच्चों, ए और बी के बीच में निकालना है, तो अब देखो ये और ये तो हमको क्लियरली किसमें दिख रहा है ना, दिस एंड दिस किसमें दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है कि नहीं, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सी और सी का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, आपको पता ही है सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको क्या कर लेना है, आधा कर लेना है, अगर आइडेंटिकल है तो इनका हो गया, है ना, तो मैं इसको लिख दिया बच्चों ऐसा बना लिया, अब इसके बदले मैंने सी बाय टू कर लिया, ठीक है, और ये है C और ये है C और ये है
सी, ठीक है। तो ये अब इसमें कन्वर्ट हो गया ए डी। आ रही बात समझ में आपको, ये चीज क्लियर ये दिख रहा है, ठीक है। अब अगर गौर से देखो बच्चों, तो ये वाला और ये वाला क्या है, वो पैरेलल में दिख रहा है ना। दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके रिड्यूस करके इसमें लाया। अब ये दोनों मेरे को किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। पैरेलल में क्या हो जाता है बच्चों, एडअप हो जाता है, ठीक है। तो पैरेलल में क्या हो जाता है, एडअप हो जाता है। तो इसके बदले क्या लिख सकता हूं मैं, है ना, सी बाई टू प्लस सी क्या हो जाएगा बच्चों, थ्री सी बाई टू। तो इसके बदले हो गया थ्री सी बाई टू, ठीक है, थ्री सी बाई टू, ये इतना था हो गया। उसके बाद क्या लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, ये ए और ये बी। आ रही बात समझ में, ठीक है बच्चों। तो हमने कितने को सॉल्व कर लिया है ना, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, इन दोनों के बदले हमने क्या रख दिया, थ्री सी बाई टू, फिर इधर क्या लगा था, सी उसको एज इट इज रख लिया, तो ये रिड्यूस होकर के ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों फिर से, अब ये थ्री सी बाई टू और ये सी किस में दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, थ्री सी बाई टू और सी सीरीज में दिख रहा है, तो इन दोनों को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इसके बदले क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट जो इन दोनों का हो जाएगा, इन और इन दोनों का क्या हो जाएगा बच्चों, क्या बोला था मैंने आपको, थ्री सी बाई टू इंटू सी अपॉन थ्री सी बाई टू प्लस सी, है ना बच्चों, इस तरीके से कर सकते हैं, इंटू बी अपॉन, है ना, तो हो गया थ्री सी इंटू सी बाई टू, और ये हो गया बच्चों फाइव सी बाई टू, तो सी बाई टू और सी बाई टू कैंसिल हो गया, तो आई थिंक दिस इज थ्री सी बाई फाइव, ठीक है। तो इसके बदले है ना, ये इनका इक्विवेलेंट क्या हो गया, थ्री सी बाई फाइव, तो इसके बदले हम क्या लगा सकते हैं, थ्री सी बाई फाइव लगा सकते हैं। तो चलो उसके बदले हमने क्या लगा लिया, थ्री सी बाय फाइव, यही आया था ना, थ्री सी बाय फाइव, और इधर ए और इधर बी, और इधर क्या लगा हुआ था, सी। अब देखो ये और ये किस में दिख रहे हैं बच्चों, पैरेलल में दिख रहे हैं, पैरेलल में क्या हो जाता है, सीधा ऐड हो जाता है, तो इसके बदले क्या हो जाएगा, है ना, अब ये सिंगल रिड्यूस होकर के बचा ए और बी के बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। और कैसे होगा, इन दोनों का है ना, थ्री सी बाय फाइव प्लस सी, कितना हो गया बच्चों, एट सी बाय फाइव, सी इक्विवेलेंट इज एट सी बाय फाइव। अंडरस्टूड, समझ में आया बात आपको, ठीक है। इसको कहते हैं सक्सेसिव रिडक्शन मेथड, ठीक है। कंटिन्यूअसली आपको क्या करना है, रिड्यूस करते जाना है, और फाइनली एक जो बचेगा वो हमारा क्या है, सी इक्विवेलेंट है, ठीक है बच्चों। और हम ले सकते हैं इस तरीके से, कई सारे बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज मैं ले लेता हूं एक कैपेसिटर ले लिया भाई, एक कैपेसिटर ले लिया भाई, एक कैपेसिटर ले लिया, एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, इधर ले लिया एक कैपेसिटर, इधर ले लिया एक कैपेसिटर, ठीक है, इस तरीके से ऐसा ले लिया, सबको इक्विवेलेंट ले लेता हूं, सी 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 और सी, इसको बोलता हूं बच्चों ए और इसको बोलता हूं बी, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें अगेन क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है फ्रॉम ए टू बी, ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो क्या करेंगे, चलो देखते हैं। तो अगेन बच्चों आपको जैसा दिखता है जहां पर, वो उसको सिंप्लीफाई करते चलो, है ना, सॉल्यूशन। तो देखो ये वाला तीनों क्या दिख रहा है, ये तीनों है ना सीरीज में दिख रहे हैं, तो इन तीनों को सीरीज में कर लो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तीनों का है ना, कौन सा रूल लगा लूंगा मैं, इक्विवेलेंट है, मतलब इक्वल है ना, सेम वैल्यू वाले हैं और सीरीज में लगे हैं, तो क्या हो जाता था, सी बाय एन, तो ये हो जाएगा सी बाय एन। तो इसके बदले क्या लगा लेंगे बच्चों, ये हो गया, ये हो गया, और ठीक है ऐसा, और इन तीनों के बदले हो गया अपना सी बाय थ्री, सी 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 और सी, ए और बी, ठीक है बच्चों। तो ये रिड्यूस होकर के इसमें आ गया। अब क्या दिख रहा है आपको बताओ,
फिर हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये और ये किस में है बच्चों, पैरेलल में है। दिस टू है ना, क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में क्या हो जाता है बच्चों, सीधा ऐड हो जाता है। तो सी प्लस सी बाई थ्री क्या हो जाएगा बच्चों, सी प्लस सी बाई थ्री है ना, क्लियर है। तो देख लो अब उसको रिप्लेस करके हम क्या कर लेंगे, ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे है ना। तो बच गया क्या, ये बचा, ठीक है ऐसा हो गया है ना। इसको ले लिया मैंने, इसको ले लिया, इसको ले लिया, ये और ये, ये और ये ले लिया, और इधर का पूरा पार्ट है ना, ये पूरा कितना हो गया बच्चों, क्या कहते हो, c प्लस सी बाई थ्री, फोर सी बाई थ्री, तो ये हो गया हमारा फोर सी बाई थ्री। तो ये रिड्यूस होकर के ऐसा आ गया a और d। अब क्लियर है बच्चों कि ये है ना c c c c c, अब ये और ये और ये इसमें दिख रहा है, अगेन सीरीज में दिख रहा है, ठीक है बच्चों। अब अगेन ये सीरीज में दिख रहा है, तो इसका सी इक्वेलेंट क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट का वन बाई सी इक्वेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, वन बाई सी प्लस वन बाई सी प्लस वन बाई फोर सी बाई थ्री, यानी थ्री बाई फोर सी है ना बच्चों। तो क्या हो गया देखो, इनका क्या हो जाएगा फोर सी, ठीक है। तो ये फोर प्लस फोर प्लस क्या हो गया बच्चों, थ्री। आ रही बात समझ में, फोर प्लस फोर प्लस थ्री, तो चार चार आठ तीन एक ग्यारह, इलेवन बाय हो गया बच्चों फोर सी, वन बाय सी इक्विवेलेंट। तो देयरफॉर सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू फोर सी बाय इलेवन, ठीक है। ये तीनों पार्ट, ये तीनों का इक्विवेलेंट कितना आया, फोर सी बाय इलेवन, अंडरस्टूड। तो भाई उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करके इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो चलो 4c by 11 इसको रिड्यूस कर दो, इसको अगर हम रिड्यूस कर देते हैं तो आ जाता है, रह गया क्या बच्चों, इधर c, इधर c, ये और इनके बदले आ गया क्या 4c by 11, c c c, a और b, ठीक है बच्चों। अब अगेन क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में क्या हो जाता है बच्चों, सीधा ऐड हो जाता है। तो ऐड कर दो, फोर सी बाई इलेवन प्लस सी कितना हो जाएगा बच्चों, फिफ्टीन सी बाई इलेवन, ठीक है। तो उसके बदले हम क्या लिख लेंगे, फिफ्टीन सी बाई इलेवन। तो ये रिड्यूस होकर के क्या आ गया, ये रिड्यूस होकर के हो गया, ये सी बचा बच्चों, इधर सी बचा और बाकी पूरा क्या हो गया, फिफ्टीन सी बाई इलेवन, फिफ्टीन सी बाई इलेवन, अंडरस्टूड, ठीक है। सी और सी, ए और बी। अब देखो ये पूरा तीनों किस में दिख रहा है, सीरीज में। तो फिर से है ना, आप इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, वन बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन बाई सी एंड वन बाय फिफ्टीन सी बाय इलेवन। इलेवन ऊपर चला जाएगा, अगेन कैल्सियम हो गया फिफ्टीन सी, फिफ्टीन फिफ्टीन और ये इलेवन, ठीक है। तो वन बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू ऐसा आ गया, देयरफॉर वन बाई सी इक्विवेलेंट पंद्रह पंद्रह तीस और ग्यारह इकतालीस बाय फिफ्टीन सी हो गया बच्चों। देयरफॉर सी इक्विवेलेंट इक्वल टू फिफ्टीन सी बाय फोर्टी वन, ये फाइनली बचा ए और बी के बीच में है ना, ए और बी के बीच में कितना बचा, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू फिफ्टीन सी बाय फोर्टी वन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका जो एक तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, इसका जो दूसरा टाइप होता है ना, दूसरा टाइप जो आएगा आपको वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। आपको मान लो बोल दिया गया है एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, ठीक है, ये मान लो इस तरीके से जुड़ा हुआ है और ये मान लो इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको बोलता हूं ए और इसको बोलता हूं बी, ठीक है। सारे वैल्यूज क्या है, सी सी और सी है। अगर आपसे बोला जाता है बच्चों कि इस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, यानी सी ए टू बी ऐसा, ठीक है, ये चीज फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो ऐसी चीजों में हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों,
ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल मेथड। ठीक है, क्या बोल सकते हैं आप इसको? इक्विपोटेंशियल मेथड, इक्विपोटेंशियल मेथड। ठीक है बच्चों, इक्विपोटेंशियल मेथड। इसमें क्या होता है कि जो जो पॉइंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जो जो पॉइंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उनका पोटेंशियल क्या होता है? इक्वल होता है, सेम पोटेंशियल होते हैं। समझ गए क्या? तो आप देखो यहां पर कौन कौन सा कनेक्टेड दिख रहा है, देखो तो ये ए है, यहां से यहां तक ये है ना डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट भी क्या हुआ? ए हुआ। फिर ये देखो यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये भी पॉइंट क्या हो गया बच्चों? ए हो गया। सिमिलरली ये पॉइंट बी है, यहां से यहां तक ये डायरेक्टली है, तो ये भी बी हो गया। और फिर यहां से यहां तक ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये भी पॉइंट क्या हो गया? बी हो गया। समझ गए क्या? तो ये जहां पर दो या दो से अधिक चीजें जुड़ती है, जंक्शन बोल सकते हो आप, है ना, जंक्शन। ठीक है, तो आप सारे जंक्शन के पॉइंट्स को है ना स्पेसिफाई कर लिए, तो आपके पास कितने पॉइंट्स मिले? देखो तो ए बी मतलब ए और बी दो ही पॉइंट्स मिले, तो आप क्या करो, ये दो पॉइंट्स को यहां ड्रॉ कर लो, ए और बी ड्रॉ कर लिया हमने। अब देखो तो ये वाला जो है ना, ये कैपेसिटेंस किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये वाला ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में एक जोड़ दिया। फिर ये वाला देखो तो किसके बीच में जुड़ा हुआ? ये भी ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ, तो इसको भी ए और बी के बीच में जोड़ दिया। और ये वाला किसके बीच में जुड़ा हुआ है? ये भी ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, तो इसको भी ए और बी के बीच में जोड़ दिया। तो सी सी और सी। अब देखो जो ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप से दिख रहा था, अब वो क्लियर कट दिख रहा है कि ये तीनों तो पैरेलल है भाई, है ना, ये तीनों क्या है? पैरेलल है। पैरेलल होता है तो बच्चों कैसे जुड़ता है ना, सीधा ऐड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3C। तो ये देखो ए और बी के बीच में आ गया 3C, यानी सी ए बी क्या आ गया बच्चों? 3C। सो इजी है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई क्या बात समझ में बच्चों? ठीक है, इसी प्रकार से और कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग, चाहे बड़ा हो बड़ा ले सकते हैं। चलो एक और ले लेते हैं एग्जांपल, इस तरह का एग्जांपल। सपोज ये एक कैपेसिटर ले लिया हमने, फिर ये दूसरा कैपेसिटर, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये मान लो ए, ये मान लो बी, और हमने क्या किया, इसको यू कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब क्या होगा? देखो ये ए है, अब यहां इसके बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है, तो ये और ये पोटेंशियल सेम नहीं होगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया? बदल गया। सपोज ये पॉइंट क्या हो गया? सी। अब देखो ये यहां से लेके यहां तक क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है ना डायरेक्टली, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया बच्चों? सी हो गया। और ये डी। अब देखो ये दो जो है ना, ये दो कैपेसिटर वो सेम पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं। ठीक है, सेम पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या हो गए बच्चा? शॉर्ट हो गए। शॉर्ट हो गए तो फिर ये किसी मायने का नहीं है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये है ना, तो ये सी तो पूरा शॉर्ट हो गया है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो ये क्या हुआ बच्चों? ए से सी तक एक हुआ, इसके बाद जीरो हो गया, और फिर इधर सी, तो ए और बी के बीच में सी और सी है ना, कितना हो जाएगा बच्चों? सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो सी बाय टू है ना, तो ए और बी के बीच में क्या हो गया? सी बाय टू। अंडरस्टूड? क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आपको करना है। अंडरस्टूड? और भी बहुत सारे तरह के ले सकते हैं, सभी में आपको क्या करना है, इस तरीके की चीजें करनी है। जैसे कि मैं ले लेता हूं बच्चों, क्या ले लूं, ये ले लिया एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, चौथा कैपेसिटर, इसको मैंने मान लो इस तरीके से जोड़ दिया, और इस
इसको मान लो इस तरीके से जोड़ दिया, ये ए और ये बी, कितने कैपेसिटर दिख रहे हैं हमको, चार कैपेसिटर दिख रहे हैं ना, तो सबका क्या है बच्चों, सी सी और सी। अब ये आसानी से हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये सीरीज है या पैरेलल है, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। कैसे भाई, तो ये और ये पॉइंट सेम है ना, तो ये भी ए हो गया और ये डायरेक्टली यहां से कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो गया, ए हो गया, ये बी है तो ये भी बी हो गया, ये बी हो गया तो ये भी क्या हो गया, बी हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास कितने नोड्स मिले है ना, कितने नोड्स मिले, दो ही मिले, अगेन ए और बी, तो इधर हो गया बच्चों ए, इधर हो गया बी। अब देखो यहाँ ए से बी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, दो ठो सी जुड़ा हुआ है, तो दो सी जोड़ दिए बच्चों, ठीक है। अब देखो अगेन बी और ए के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, यानी ए और बी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, एक सी जुड़ा हुआ है। फिर देखो ए और बी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है, ए और बी के बीच में एक जुड़ा हुआ है, तो ये एक जोड़ दिया हमने। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो अब देखो हमें क्लियर समझ में आ रहा है, ये दोनों सीरीज में है तो इसको रिड्यूस कर लिया, इन दोनों के बदले क्या आ जाएगा बच्चों, सी बाई टू, फिर ये हो गया सी और ये हो गया सी, ठीक है, ए और बी, ठीक है। तो भाई अब ये तीनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में, पैरेलल में सीधा ऐड हो जाता है, तो सी प्लस सी बाई सी प्लस सी प्लस सी बाई टू कितना हो जाएगा बच्चों, फाइव सी बाई टू आई थिंक, है ना, तो ये हो गया फाइव सी बाई टू। तो बड़े ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ए और बी के बीच में आ गया फाइव सी बाई टू, ओके। अब इसमें कुछ डेटा पुट कर सकते हैं, जब डेटा आएगा तो डेटा रखा जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। तो एक हो गया, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। एक वैरायटी जो इसमें आता है बच्चों, इसके ऊपर भी भरपूर क्वेश्चन होता है, ध्यान से सुनिए, इसमें क्या कहेगा कि एग्जांपल के थ्रू ही समझाने की कोशिश करता हूं मैं, कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चों सपोज, ठीक है, इसके बीच इसका प्लेट एरिया ए है और इसके बीच की डिस्टेंस डी है, और जब इसके बीच में एयर था है ना, तो इसका सी नॉट है ना कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है, ठीक है। सी नॉट बराबर क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है, ध्यान से सुनिए, है ना, दो पैरेलल प्लेट है जो डी डिस्टेंस पर है और प्लेट एरिया ए है और विथ एयर इसका कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है, ध्यान से समझिए। अब बोलता है कि अगर इसमें है ना, इसके आधे पार्ट में, आधे पार्ट में, ठीक है, हमने क्या डाल दिया, एक प्रकार का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है, जिसका के वन है मान लो फोर, और इधर आधे पार्ट में क्या डाल दिया, दूसरा डाइलेक्ट्रिक डाला, इस पार्ट का के कितना है सपोज सिक्स है, ठीक है, सिक्स है, ओके। तो अब जो इसका कैपेसिटेंस होगा, न्यू कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है बच्चों, न्यू कैपेसिटेंस, ध्यान से आपने सुना, पहले ये एक कैपेसिटर था जिसके बीच की दूरी डी थी, प्लेट एरिया ए था, तो कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी था। अब जब हमने आधे पार्ट में क्या किया है ना, इस आधे पार्ट में है ना, तो ये हो गया बच्चों डी बाय टू और ये हो गया डी बाय टू, अंडरस्टूड, ठीक है। तो अब न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इसको आपको कैसे बनाना है आप समझो। तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, अब ये एक अलग कैपेसिटर हो गया और ये एक अलग कैपेसिटर हुआ, मतलब ये दो कैपेसिटर बन गए है ना, इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग होगी, इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। तो कैसे हुआ, ये वाला जो पार्ट है एक और इस इधर वाला ये दो, ठीक है, तो इसका जो ये है ना, अब प्लेट सेपरेशन क्या रह गया, डी बाई टू, और इधर प्लेट सेपरेशन रह गया डी बाई टू, प्लेट एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ, आ रही बात समझ में, प्लेट एरिया में अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। तो देखो अब इसका कैपेसिटेंस मान लो मैंने क्या बोला C1, और इसका कैपेसिटेंस क्या बोला मान लो C2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, C1 की वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A, एरिया तो वही है लेकिन D कितना है, D बाय 2 है ना, साथ में डायलेक्ट्रिक वाला है तो K से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो कितना हो गया, देखो बच्चों K की वैल्यू इसका कितना था 4, ये 2 पर जाएगा 8 हो जाएगा बच्चों, तो 8 एप्सिलॉन नॉट A बाय D है ना, ये इस वाले का कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है बच्चों।
अब देखो इधर इस वाले का C2 वो कितना हो जाएगा, है ना, एप्सिलॉन नॉट ए वही है, डी इसका भी क्या है डी बाई टू, लेकिन के इसका कितना है सिक्स, तो सिक्स टू जै ट्वेल्व, ट्वेल्व एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो है इसका हाल कैसा हो गया, एक कैपेसिटेंस ये बना और फिर दूसरा कैपेसिटेंस ये बना, है ना, तो ये अब ऐसे दो कैपेसिटेंस हो गए, पहले ये अकेला एक ही कैपेसिटेंस था पूरा, अब ये क्या हो गया दो कैपेसिटेंस हो गए। ठीक है, ये C1 और ये C2, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसका अब देखो ये दोनों किस में दिख रहे हैं बच्चों, आपको सीरीज में दिख रहे हैं कि पैरेलल में दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं तो क्या करते थे आप, है ना, C1 C2 by C1 plus C2, तो therefore C equivalent equals to C1 C2 by C1 plus C2, इसमें इसको पुट करके सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो देख लेते हैं पुट करके क्या आ रहा है, C C equivalent equals to C1 हो गया बच्चों देखो 8 epsilon not A by D into C2 हो गया बच्चों 12 epsilon not A by D, है ना, दोनों को ऐड करोगे बच्चों 12 8 20 20 epsilon not A by D, क्या कटा कटा देखो तो epsilon not A by D एक कट गया। ठीक है, तो बचा बच्चों 4 तिया 12, 4 पंचे 20, तो 8 तिया 24, 24 epsilon not A by 5d, ऐसा आ गया C equivalent, इसमें से epsilon not a by d को क्या बोला था C not, तो ये हो गया बच्चों 24 by 5 C not, तो इसका जो equivalent capacitance आया, नया capacitance आया वो कितना आया 24 by 5 C not। ठीक है, तो आपको इस तरीके से solve करना है ना, इसी में दूसरे तरीके से क्या कर सकता है, दूसरे तरीके से आपको ऐसे question दे सकता है। ठीक है, अगेन इसका इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग सेम है, है ना, कैपेसिटर का प्लेट एरिया ए है, बीच की दूरी डी है ना, जब एयर था तो इसका कैपेसिटेंस कितना हुआ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हुआ, अब इसको क्या किया है ना डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, कैसे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया इस तरीके से। ठीक है, इधर एक अलग प्रकार का डाइलेक्ट्रिक डाला और इधर एक अलग प्रकार का डाइलेक्ट्रिक डाला। ठीक है, इधर मान लो के वन बराबर अगेन वही ले लेता हूं 6 4 और K2 इक्वल्स टू क्या ले लेता हूं बच्चों 6, तो कैपेसिटेंस ये प्लेट्स के बीच में ही कैपेसिटेंस निकलेगा, तो ये पॉइंट A मान लिया, ये पॉइंट B मान लिया। ठीक है, तो इसके बीच में अभी कितना था ये था, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखो ये दो हिस्से हो गए, है ना, ये अलग हिस्सा हो गया और ये अलग हिस्सा हो गया, तो इस हिस्से में है ना, इस हिस्से में क्या चेंज हुआ, क्या डी चेंज हुआ, डी अभी भी इसका उतना ही है, लेकिन क्या हो गया प्लेट एरिया घट गया, इसका प्लेट एरिया कितना है ए बाई टू, इसका भी प्लेट एरिया क्या है ए बाई टू। आगे बात समझ में, तो देखो इसका मैं बोल देता हूं क्या कैपेसिटेंस सी वन इस वाले का। ठीक है, तो सी वन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट, एरिया इसका कितना हो गया ए बाई टू और डी तो डी ही था, लेकिन साथ में क्या है बच्चों के वाला, तो के तो मल्टीप्लाई होगा, तो के वन मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया के वन देखो 4 लिया था हमने, 4 इप्सिलॉन नॉट ए बाय 2 डी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों 2 इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इस पार्ट का आ गया बच्चों। अब दूसरा पार्ट जो है C2, उसका क्या हो जाएगा बच्चों K2 इप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है उसका ए बाय 2 है ना, और डी तो डी ही है। ठीक है, तो K2 की वैल्यू बच्चों 6 है, 6 बाय 2 क्या हो जाएगा 3, तो 3 इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है ना, ये C2 आ गया। तो अब जो ये ऐसा कैपेसिटेंस था बच्चों, अब वो कैसा हो गया, एक इधर C1 बन गया और एक इधर C2 बन गया, C1 और C2 है ना, सेम प्लेट के बीच में ऐसे दो बन गए। ठीक है, A और B के बीच, आ रही बात समझ में, तो अब आप देखो कैसा है दिख रहा है, ये पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है तो सीधा जुड़ जाएगा बच्चों, तो जुड़ जाएगा तो 3 2 5 5 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ गया बच्चों 5 epsilon not a by d, जिसमें epsilon not a by d क्या था c not, तो इसका आंसर हो गया 5 c not। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप ढूंढ ढूंढ करके बनाइए, कल के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स को है ना बताने की। ठीक है, आज का लेक्चर यही तक समाप्त करते हैं।